67वें गणतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार इस राजकीय समारोह में राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आए हैं। तेजस्वी, क्या संदेश देंगे 67वें गणतंत्रता दिवस पर? देखिए, आज काफ़ी खुशी का दिन है और पूरे देशवासियों को 26 जनवरी के रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं हम देने का काम करते हैं। और हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए और जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया है, तो और आगे भी भविष्य देश का अच्छा रहे, इसमें खास तौर के नौजवानों को बढ़ चढ़ के देशभक्ति से लेकर के देश सेवा में और अपने शहर राज्य को संवारने में योगदान देना चाहिए। राज्यपाल ने जो 7 निश्चय भी व्यक्त किए हैं, हाँ, 7 निश्चय दिया, वो तो एजेंडा है, हम लोगों को वो पूर्ण करना है और उसी दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। धन्यवाद। तो 7 निश्चय जब राज्यपाल ने झंडारोहण के बाद से जो भाषण दिया उसमें नीतीश कुमार के और बिहार सरकार के जो 7 निश्चय हैं जिसको लेकर के नीतीश सरकार आगे बढ़ रही है, उन 7 निश्चय को भी बड़ी शिद्दत से राज्यपाल ने अपने भाषण में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से व्यक्त किया है। कैमरामैन धर्मेंद्र सिन्हा के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पटना।